चलते हैं जल्दी, भाई वेट कर रहा है, जल्दी से जाते हैं यहाँ से जूही से जो है उसके बाद जाएंगे कश्ती पे ठंडन से जो है सीधा दादू। अभी मैं आपको जूही का वो बचा पक्ष दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये जूही शेर बच गया था। नेहर वाले की भी आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उन्होंने अपना शेर बचाया था, जूही वालों ने भी जो है ना अपना शेर किस तरह बचाया आपको दिखाता हूँ। ये जो बंद है, ये वाला बंद यहाँ से उस तरफ सारा पानी था, ये इस बंद के बिल्कुल साथ साथ ये रातों को जाग के लोगों ने यहाँ ये हिफाजत की है, ऊपर तक पानी था। ये पूरा इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये बोरियाँ रखी हुई हैं, ये वहाँ तक पानी था, और उस तरफ अगर पानी की रास्ते जाता पूरा शहर डूब जाता, इस तरफ पूरा ये पानी पानी था। हाँ, तो अभी भी जो है ना लोग अब वापसी कर रहे हैं, अपने अपने घरों में वापसी आ रहे हैं, पानी अभी ख़त्म हो रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी हम जाते हैं आपको दिखाएंगे आगे सारा ये पानी है, ये शहर पूरा शहर के बाहरली साइड पे पूरा पानी ही पानी है और शहर के अंदर पानी नहीं आया, दोनों तरफ से पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। ये पार्क है, इसकी 5 फीट की दीवार है, वो भी आप देख सकते हैं वो भी आधी डूबी हुई है, कम से कम अभी पानी नीचे उतर गया है, लेकिन फिर भी 3 फीट अभी भी 4 फीट पानी अब भी है। ये कॉलेज है तो वहाँ कश्तियाँ हमें मिलेंगी, कश्तियों पे बाइक रख के अभी जो है ना ठंडन की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर हम अपने शहर दादू जाएंगे। इस पानी के अंदर भी मछलियाँ भी हैं। अभी बाइक का जो रास्ता अभी जो हम जा रहे हैं ये रास्ता पूरा डूबा हुआ था कुछ दिन पहले तक, अभी ये कुछ पानी नीचे उतरा है तो यहाँ से बाइक आगे जा रही है, नहीं तो शहर के किनारे तक जो है वो जा रही थी, कश्तियाँ जाती थी। ये कश्तियों का स्टाफ पहुँच गया है, कोई रास्ता नहीं है, अब ये कश्तियाँ ही जाएंगी यहाँ से वहाँ तक। तो ये दिखाते हैं कि कश्ती के ऊपर जो है ना बाइक ऊपर चढ़ाएंगे अभी यहाँ से, और कश्ती ये कुछ NGOs वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं, दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह भी लेके आए हैं, वो भी कश्ती पे फार्मेसी जैसी लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पर ये डॉक्टर हैं यहाँ पर, एन जी ओ का आए थे जो ही लोगों का इलाज, ये कह रहे हैं कि यहाँ कैसे देखेंगे वो इनको मैं बता दूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, 15-16 बंदे बैठ जाते हैं, आप टेंशन नहीं लें, 15-16 बंदे बैठ जाते हैं, अब बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, हम आए भी हैं, चार भाई, नहीं कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, इनको तैरना आता है, आपको बचा लेंगे, आपको बचाएंगे ना, नहीं मैं नहीं मानता, नहीं मानो, बाइक उठा के कश्ती के बीच में ये यहाँ पर चढ़ गए, यहाँ भी रात को मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं पानी में, इसके जब चश्मा पहनना पड़ता है, नहीं तो आँखों में जाते हैं मच्छर, हाँ धुआं निकल रहा है। ये एक वीडियो वायरल भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे जहाँ भी देखोगे ऐसे लगेगा जैसे बादल, लेकिन ये बादल नहीं है, मच्छर है, हाँ। अभी हम कश्ती पर बैठे हैं तो यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ कराची के नौजवान, जो यहाँ पर मेडिकल कैंप करने आए थे, मेडिकल कैंप, ये मेरे वहाँ कराची न्यू कराची से ही है, करीब के ही है, देखो कुदरती बात है, हमें पड़ोसी यहाँ भी मिल गए, भाई है और ये भाई है, वो पीछे कुछ और भी बैठे हुए हैं, ये सारे मज़ा आया। पानी
पानी है, देखें पूरा डंडा जो है ये 10 फीट का से भी ऊपर का ये पानी देखो कितना बड़ा है डंडा, अंदर पानी में हो जाता है। तो उसके बाद ये देखें कितना बड़ा डंडा है, आदमी से बड़ा, लोगों को लगता है छोटा सा ही पानी होगा लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा। भाई साहब को गर्मी हो रही है और एयर कंडीशनर चालू करने का कह रहे हैं ये। ये मच्छर देखें कितने ज्यादा, बहुत बड़ा पड़ा है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना मलेरिया और ये डेंगू वगैरह हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ये जो दोस्त कराची से आए हैं मेडिकल के स्टूडेंट, ये भी इसी हवाले से ही आए हैं और दवाइयाँ वगैरह भी यही लेके आए हैं मलेरिया वगैरह के लिए। सारी दवाइयाँ बेसिक दवाइयाँ हम लोग लेकर आए थे यहाँ पर मलेरिया के हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से, फीवर की जो है वो सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी हम लोग लेकर आए हैं। चलो माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। यहाँ पर मैंने जो यहाँ से काछो तक मैं गया हूँ तो मैंने जो चीज़ें देखी है ना वो दिल दहलाने वाली चीज़ें, बहुत ही बयान नहीं कर सकता इंसान के मैंने क्या क्या देखा है यहाँ। बहुत ही हालात ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लोगों को नहीं मालूम, जो यहाँ आए विज़िट करेगा उसको पता चलेगा। लोगों को अच्छी ज़रूरत है, लोगों की ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। मछलियाँ भी इस पानी में बहुत ज़्यादा हैं, मछलियाँ हैं, सांप, बिच्छू। भाई साहब पानी में उतर के यहाँ से जो है ना किनारे पे भी जो है ना 3-4 फीट पानी, अभी अभी किनारे पे जाके उसको क्या कर रहे हैं पता नहीं है क्या करेंगे। A few moments later, ये दूसरी कश्ती को इसके साथ टच करेंगे और फिर जो है ना वहाँ से हमें उतारेंगे, एक कश्ती से दूसरी कश्ती, दूसरी कश्ती से तीसरी कश्ती। ये सही है, जुगाड़ इनका अच्छा है। 2000 years later, अरे भाई कैसे होता रहेंगे हमारी यार पानी में अंदर, पता नहीं क्या अपने मगर मच्छर मारो ये नसी है जगह ये वो आई की है ये तो मान के पानी में बैठ खड़ी आए हो जा पानी बाइक कैसे उतारोगे। हाँ ना हाँ ना नहीं नहीं कंधे पे उठा के बाइक हमें किनारे पे पहुंचा के दे वो सही है। कश्ती हमारी हो गई है फस कश्ती को जो है लोग धक्का देके आगे लेके जा रहे हैं। हाँ पहुँच गए हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ पर अभी ठीक है One eternity later. भाई कभी उतारेंगे बहुत मुश्किल आ रही है भाई साहब रस्ता पकड़ के खींच रहे हैं।
तो हमारी बाइक यहाँ पर पहुँच गई है, अभी हम चलते हैं दादू। देखिए आज ब्लॉग यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।